टाइगर आया तो ऐसा था कि ये यंग अक्षय कुमार है, ये मेरे से काफी ऊपर है। सो गाइस, क्या वाकई में यहाँ पे टाइगर इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को एक नया अक्षय कुमार साबित करने की कोशिश कर रहा है क्या? यहाँ पे जोहरी शेट्टी ने कहा मजाक क्या भाई, ये सच है? और ये भाई सीन क्या एक्चुअल मतलब मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर लगातार वायरल हो रहा है, काफी लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि यार ये टाइगर को निगेटिव दिखाने की कोशिश की गई है। मैं आपको बता दूं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मस्ती था, एक मजाक था, ये सिर्फ और सिर्फ फन एलिमेंट वाइज यहाँ पे शो के अंदर डाला गया। जैसे आप लोग जानते हैं गाइस, यहाँ पे उमंग 2023 हुआ है, जहाँ पे हमारे बॉलीवुड के काफी सारे सुपर स्टार्स लोग ने इस चीज को अटेंड किया, एंड उसी के दौरान यहाँ पे अक्षय पाजी एंड टाइगर श्रॉफ ने भाई अपने माचो एंट्री मारी थी, जबरदस्त तरीके से लोगों को एंटरटेन किया यहीं पर। बस नॉर्मली यहाँ पे टाइगर को प्रेस करने भाई साहब, टाइगर को थोड़ा अच्छा खासा फील कराने के लिए यहाँ पर रोहित शेट्टी ने इस तरह की चीजें बोली, और यहाँ पे अक्षय पाजी ने उसको सपोर्ट भी किया, जिस तरह से आप लोगों ने वीडियो को अंदर देखा। यहाँ पे भाई साहब अक्षय पाजी साफ तौर पे कहते हैं कि हाँ, टाइगर काफी मेहनती है, काफी कुछ ने सीखा है, मार्शल आर्टिस्ट काफी अच्छा खासा है, और कहीं ना कहीं अपना काफी ख्याल भी रखता है, थोड़ा मस्ती में थोड़ा टांग भी खींचा। यहाँ पे टाइगर उन्होंने कहा कि अपने पैर से लेकर के नाखून तक का काफी ख्याल रखता है, मतलब समझ रहे भाई, सिंपल सी बात हम लोग जानते हैं कि यार ये जो स्टंट्स वगैरह भाई साहब टाइगर कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे आप एक्शन देखते हैं टाइगर को परफॉर्म करते हो, यार ये सब चीजें अक्षय पाजी ने बहुत पहले की हैं, और इसमें कुछ गलत बात नहीं है। सिंपल सी बात हम लोग जानते हैं कि यार इंडस्ट्री के अंदर जितने भी नए नए एक्टर्स हैं, हर कोई सबसे पहले अगर वो एक्शन फील्ड के अंदर जाना चाहता है, अपने आप को अगर एज अ एक्शन हीरो रिप्रेजेंट करना चाहता है, तो हर कोई जानता है कि यहां पर उसके एक आइडल नंबर हमेशा रहते हैं, वो अक्षय कुमार। चाहे विदु जामवाल की बात करें, चाहे भाई साहब यहाँ पे टाइगर श्रॉफ की बात करें, ए टू से जितने भी एक्शन हीरोज हैं इंडस्ट्री के अंदर, जो नए एक्शन हीरोज हैं, हर कोई हमेशा माना है उसने चीज कहा है, और टाइगर ने भी कहीं ना कहीं कहा है कि भाई आपसे ही सीखो सर। तो बस ये सीन है कहीं ना कहीं जो आप वीडियो देख रहे हैं। बाकी यार यहाँ पर रोहित शेट्टी क्या पूरी दुनिया जानती है क्या, हु इज द नंबर वन एक्शन हीरो ऑफ इंडिया, और भाई टाइगर अभी नए जनरेशन का एक्टर, अभी उसको काफी कुछ चीजें सीखनी है, और कहीं सिंपल सी बात है कि रिस्पेक्ट नाम की चीज होती है, तो बस वो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में, और ये फनी वे में था, इसमें कुछ भी गलत नहीं। बाकी आपको लगता है प्लीज करना भाई क्या लगता है भाई, ये जो टाइगर अक्षय पाजी का आप लोग हंसी मजाक देखते हैं, तो हल्की फुल्की जो नोक झोंक देखते हैं इसमें कितना मजा आता है आपको यार? हाँ, हम लोग जानते हैं बड़े में छोटे में आ रहा है, तो उसको लेकर कितने एक्साइटमेंट है कल कमेंट करके बताना भाई। मैं बस सोच रहा हूँ कि यार पहला धमाका यहाँ पे बीएमसी, दूसरा धमाका भाई साहब यहाँ पे सिंगम अगेन, क्या लगता है दोनों की जोड़ी ऑडियंस कितना पसंद कर रही है, कमेंट कर।